वापस आ गया यहाँ पे, थोड़ा बैठ जाता हूँ शांति से। कब से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, थका तो नहीं हूँ पर थोड़ा बैठना, थोड़ा ठहरा, थोड़ा रुकना, शांति से बैठना भी ज़रूरी है। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे काशी में आके जो मरता है उसे मोक्ष मिलता है। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे चिता जलाई जाती है और गंगा जी में अर्पण की जाती है। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है पर लोग एकदम आसानी से कर रहे हैं। नॉर्मली लोग आजू बाजू में से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ा बहुत वीडियो भी निकाल रहे हैं। मुझे खुद कुछ अलग लग रहा था कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं निकालूं, वहाँ पे कुछ बात नहीं करूं, पर वहाँ पे ये डेली नॉर्मल है, मतलब रोज़ होता है ऐसा। वहाँ पे भगवान ने ऐसा श्राप दिया था कि यहाँ पे हमेशा चिता जलती ही रहेगी, हमेशा। तो यहाँ पे कभी भी आओगे ना तो आपको आग जलती हुई मिलेगी, कभी आग शांत नहीं होती। अभी हमने अपना पर्सनल बोट किया है एक साइट सीन करने के लिए घाट का। अभी धूप एकदम कम हो गया है तो ये अच्छा टाइम है। और कभी कभी लाइफ जैकेट पहनना पड़ता है, कभी कभी नहीं पहनेंगे तो भी चलता है। पर यहाँ पे पुलिस घूम रहे होते हैं पानी में, तो इनके ऊपर फाइन मारते हैं और उनको चिल्लाते हैं, तो भैया ने कहा कि पहन लो। अभी हमसे होगा कि नहीं? नहीं, आज तो नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? आइए। चालू है ना, मुझे मेरी तरफ कर दो। आप के तरफ रहेगा ये वाला खेलना, ये वाला ऐसा ये वाला खेलिए, उसको बंद कर दो। देखा यही ने कहा जाला मेरी तरफ करो क्या? आप आपकी की तरफ नहीं, इसको टेक्निक है। सबसे सबकर बनरी सबसे नहीं नाचर, हम लोग का बनरी का मालूम है, हम लोग बनरी नचाते हैं। आप लोग देखिए आप तो आधा घंटा बस खाली यही जगह लगा देंगे, गलत करें तो बोलिए। बात सही है, चलो कोई नहीं। आइए, ये नीचे जाएगा नहीं ना, इसे जाएगा तो हम खुद जाएंगे।
20 किलो आराम से हम है के सूती खाएंगे आप आधा घंटा से बेसिया घुमा देंगे। ये देखो नया घाट बनाया है मोदी जी। हाँ ये नेपाल के महाराजा का है ललिता घाट। अच्छा हाँ आपको जहाँ बैठे हो बराइन घाट है, बराइन देवी का मंदिर ऊपर है। अच्छा वो कालू डोम का मकान है जो राजा हरिश्चंद्र के खड़े थे उसका मकान है। बगल में है मीराबाई घाट, हरे रामा हरे कृष्णा। अच्छा ये है ललिता घाट जो नेपाल के महाराजा सोलामन सोने का दिखते गुम्बद है। हाँ उसके पेड़ के ऊपर। हाँ दिखाई दे रहा है? नहीं देगा। हाँ इधर जाएंगे तो दिखाई देगा। अच्छा सोलामन सोने का है। ए भोलेनाथ माता जी स्नान किए। हाँ कान का मुदरी गिर गया। हाँ तो कान का मुदरी गिर गया बहुत खोजे। हाँ नहीं मिला। पुरोहित ने कुंड बनाए। हाँ कुंड ऊपर में है। हाँ लेकिन पानी नहीं है। अच्छा हाँ शराब भी देंगे 24 घंटा यहाँ लाश जलेगा, यहाँ लाश नहीं जले तो दुनिया परले हो जाए। अच्छा 24 घंटा एक न एक जलना है लाश। बहुत बहुत दूर जाते हैं यहाँ पे ये बना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम बड़े बड़े दूर से बुढ़ी बुढ़ा आते हैं यहाँ रहते हैं, खाने पीने का सब मिलता है। अच्छा ये हमारा मुक्ति धाम बने काशी में। ये जो देख रहे हैं आप ना हाँ, हाँ। ये सब हर देश के राजा का है क्योंकि हम बनवाए हैं तो हमारा काशी में मुक्ति मिल जाए। अब वो लोग तो चल गए, जो बस गया उसका हो गया, उसी का हो गया। कोई घाट कोई बाकी नहीं, हर घाट हर राजा का। यहाँ भैया 160 घाट है। अच्छा लोग कहते हैं 84 घाट, 84 घाट नहीं है। आप देखिए वो आगे देखिए। हाँ। आगे से लेके देखिए 8 किलोमीटर में है। अच्छा लगवा लगवा घाट है तो बोलिए कितना घाट है। बराबर हम लोग को जान रहे हैं ना कि कितनी घाट है। हम्म लोग कहने वाले कहते हैं 84 घाट पर है कितना 360 घाट। 360 यहाँ कोई नदियाँ बाकी नहीं है कि गंगा में न मिली। हर नदिया गंगा से मिल ये पानी यहाँ से आ रहा है कि यहाँ जा रहा है? हरिद्वार से आता है। हरिद्वार हरिद्वार से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से पटना, पटना से कलकत्ता, समुद्र में जाते हैं। अभी कहा देख रहे 50 फीट ऊपर जाएगा बाढ़ के दिन में, बरसात के दिन में। अच्छा और 50 फीट 100 किलो कहाँ गया? 50 फीट का मतलब 100 किलो कितनी दूर गया। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जो धारा चलता है ये सब नाव नहीं चलती, तभी नहीं चलती ना एकदम बंद। लेट हो गया अपने को, गंगा आरती में जाना है, भीड़ हो गई होगी पर मैं अकेला हूँ तो कहीं पर भी घुस जाऊँगा। भीड़ देखो तो
दुर्गा धाम पे दुर्गा बलराम दुर्गा बलराम आप जो हमारी से है बड़ी और लंबी आरती यहाँ पे होती है बनारस।